हेलो फ्रेंड्स, धमाल पिक फार्म में आपका स्वागत है। ये देखिए मेरा न्यू पिक फार्म बन रहा है, 50 फीमेल का सेकोटिक्स। ये बीच का गली है 6 फीट का। इसका लंबाई है 150 फीट, चौड़ाई 42 फीट। और एक एक फीमेल का रूम की लंबाई है 18x5, जिसमें क्रीपर रूम, बच्चों का रूम बनेगा 2 फीट का। इसके पीछे साइड में क्रीपर रूम बनेगा 2 फीट का। ये है आपका, इसका लंबाई ये 18 फीट, चौड़ाई 5 फीट। ये चालू हो गया बनना। इसमें 50 फीमेल और 5 मेल रहेंगे। ये है मेल का रूम 8x18 का। और ये हमारे मित्र हैं विवेक, इनका भी न्यू फार्म अभी बन रहा है, एक फार्म तैयार है ऑलरेडी 22 फीमेल का। धन्यवाद। फार्मर भाई, आपको अगर फार्म खोलना है तो ट्रेनिंग अवश्य लें, अन्यथा फार्म ना करें, इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए ट्रेनिंग अवश्य ही लें। हेलो फ्रेंड, मैं धमाल पिक फार्म से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है तारक सरदार, छत्तीसगढ़ बलरामपुर, और मैंने ट्रेनिंग लिया है बलजीत रंधवा जी से। फार्मर भाइयों, जो मेरा स्टूडेंट है तारक सरदार, तो ये छत्तीसगढ़ से मेरे पास ट्रेनिंग करने आया था। और सबसे पहले इसने अपना जाकर छोटे लेवल के ऊपर फार्म चलाया, और मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत खुश हूँ भी मेरे स्टूडेंट ने बहुत कामयाबी हासिल की है। और ये आपने सुन ही लिया है कितना बड़ा ये फार्म बना रहा है। लेकिन पहले इसने एक साल तक इसके में पूरा अपना हार्ड वर्क किया। जब इसको लगा भी हाँ मैं अब बढ़िया तरीके से फार्म कर सकता हूँ, तो अब ये 50 फीमेलों से काम शुरू कर रहा है। फार्म भी आपने देख लिया, जब फार्म पूरा रेडी हो जाएगा दोबारा नेक्स्ट नई वीडियो हमारे पास पहुँच जाएगी, फिर वो आपको हम। लेकिन आप लोगों ने, मैंने पहले भी जैसे बोलता रहता हूँ, फार्म कहीं भी 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक करो, लेकिन रेंट के ऊपर लेके करो। अपना फार्म मत बनाना जी दुकान मकान या शोरूम नहीं है भी, आप इसको बनाने के बाद किसी को भी दे सकते हो। हर कोई बंदा पिगरी फार्म नहीं करता, इसलिए आप ये बात ध्यान में रखना। 10-12-15 लाख से कम फार्म नहीं बनेगा, छोटे से छोटा, और उसके बाद वो पैसा आपका बेकार चले जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान होने का जो कारण है वो है विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट नॉलेज इस काम में आकर पंगा लेना। जब आप इस काम को शुरू कर देते हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी ये मार लेता है। काफ़ी ऐसे फार्मर बैठे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सबको ही पता है कितने कितने लाख रुपया लगा कर फार्म शुरू कर दिया, और मुझे समझ नहीं आती इतनी बेवकूफ़ी वो लोग क्यों करते हैं। 30-30, 40-40 फीमेलें डालकर और बिना ट्रेनिंग के काम शुरू कर दिया, और सारे के सारे जानवर हैं वो डेड हो गए। क्या फ़ायदा भाई ऐसी पिगरी का, अगर पैसा ही 2 नंबर का तो करते रहो। ठीक है फार्मर भाइयों, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच में बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।